बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं आपका होस्ट मेहराब हबीब और आप देख रहे हैं टीवी माशा एफ नाइन पार्क इस्लामाबाद में मौजूद हूँ। 700 सवारों में एक खातून थी रूज साहबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आपने दोनों राउंड कवर किए, कैसा लगा? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा। अब तो ये मेरे ख्याल से मेरा चौथा मेला है, सो अब थोड़ी सी आहिस्ता आहिस्ता गेटिंग यूज्ड टू इट, लेकिन स्पोर्ट में एड्रेनलिन होता है। खातून आप तो सिर्फ नाजुक कहा जाता है, घोड़ा मतलब घुड़सवारी करना अजीब सा मुश्किल काम है, तो कैसा लगता है आपको करके? मेरे ख्याल से जब राइडिंग की आपकी ट्रेनिंग अच्छी हो, आपकी थोड़ी सी आपको घोड़े से पहचान हो, उसको सवार अच्छे तगड़े सवार हों, तो फिर किसी भी खेल को, घोड़सवारी के किसी भी खेल को करना इतना मुश्किल काम है। से आप कर रही हैं? अभी 2 साल पहले शुरू किया। उन खवातीन को, उन बच्चियों को क्या मैसेज देना चाहेंगी जो इस चीज़ से डरती हैं? देखिए, डरने वाली कोई बात नहीं है। जब आपको एक घोड़े के साथ आपका ताल्लुक बन जाता है, आपको राइडिंग स्किल्स में अबूर हो जाता है, जो कि मैंने इनसे सीखी है, कासिम खान से, तो फिर उसके बाद आपको घोड़े से डर नहीं लगता, आपका एक रिलेशनशिप बन जाता है घोड़े के साथ, ट्रस्ट एक बन जाता है। बाकी गेम स्किल की है, इसमें मर्द की और औरत का कोई फ़र्क इतना नहीं है। स्किल है, आपने एम करना है, पैग उठाना है। मुश्किल जो होता है वो घोड़ा संभालना होता है, लेकिन मैंने जैसे कहा है कि मैं लड़कियों को यही एडवाइस करूँगी कि ट्रेनिंग अपनी प्रॉपर जगह से ले, इन्वेस्ट करें। बहुत से राइडिंग स्कूल्स हैं जो बहुत बेसिक ट्रेनिंग देते हैं, वो इन स्पोर्ट्स के लिए काफ़ी नहीं है। एक अच्छा उस्ताद ढूँढें और अपनी ट्रेनिंग को वक्त दें थोड़ा। 700 मर्दों में एक आप अकेली औरत थी, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। अक्सर अमूमन ऐसे होता है, लेकिन अब ये थोड़ा सा ट्रेंड बढ़ रहा है। एक और लड़कियों की भी टीम है, 3-4 मेरे पास आई हुई थी आज, वो भी शौक रखती हैं, तो अब उम्मीद है कि आगे ये ट्रेंड बढ़ेगा। मैं अकेली औरत नहीं होंगी, अगर कुछ और भी औरतें इंटरेस्टेड हैं। आपकी टीचर कौन है आज साथ? कासिम खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक। पार्टनर आपने रूज बे को कैसा देखा? मेरे टीम में भागती हैं जी, बड़ी दलेर सवार हैं और बड़ी अच्छी सवार हैं। और आप कितने अरसे से कर रहे हैं? मुझे काफ़ी अरसा हो गया जी। कितने घोड़े आपके पास? बस काफ़ी हैं जी। काफ़ी। हमने आपका डेरा भी विजिट करना है ना, बताएं ऑन कैमरा भी, मैंने पूरे पाकिस्तान के विजिट करना है। कितने घोड़े आपके पास, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं? मैं जी सवाबी का हूँ और बस मेरी सेक्शन पूरी है, सेक्शन के घोड़े हो जाते हैं। तो यकीनन उम्मीद करता हूँ आपको आज की इंटरेस्टिंग वीडियो पसंद आएगी। आपने सनराइज़र्स काफ़ी भी देखी, कासिम भाई की भी और रूज साहबा की भी, तो बहुत अच्छे सवार हैं और दोनों राउंड इन्होंने पूरे किए। दोनों राउंड थे आपके? एक राउंड था इनका, उन्होंने पूरा किया और बहुत अच्छे अंदाज से। तो इंशाल्लाह इनके पास हम इनके डेरों में विजिट भी करेंगे और आपको और मजीद वीडियोज़ भी दिखाएंगे। चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह।